अच्छी तो गुंडों के हाथ लग गई, उसकी जान को कोई खतरा ना हो। नहीं शंभू जी, मीनाक्षी एक जाबाज ऑफिसर है, कुछ नहीं होगा उसे। जैक, हमें किसी तरह से इस स्कूल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को हैक करना होगा ताकि हम इन लोगों की जगह ले सके। वैसे भी मीनाक्षी को ज्यादा कुछ पता नहीं चला आतंकवादियों के बारे में, सिर्फ दो दिनों के बारे में पता चला। सर, मैं उस बंदे का लैपटॉप हैक करूंगा जिसने स्कूल के सीसीटीवी कैमरे हैक किए हैं, और इसी बीच मैं उसके लैपटॉप में घुस के वो 5 मिनट की फुटेज कॉपी करूंगा। इससे उसका लैपटॉप जो है ना, यू नो, 2 से 3 बार हैंग होगा। पता तो नहीं चलेगा उसे। नोप सर। सर, इस टाउनशिप की ये आखिरी बिल्डिंग है, और मैं तो कुछ मिला नहीं। चलो यहाँ देखते हैं। ये कौन है? इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बाद भी लिफ्ट छोड़ के ऐसे जा रहा है? ये हमको देख के ही भाग रहा होगा। तुम ऊपर देखो, मैं इसे देखता हूं। कहां चले जनाब आप? क्या है आप? क्या हुआ सर? खेल खत्म हो गया तुम्हारा, चलो। सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है सर। अच्छा, तो ये मुजरिमों की तरह कैसे भागा जा रहा है? इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लिफ्ट छोड़ के सीढ़ियों से भाग रहा है। सर, लिफ्ट को आने में टाइम लगता है सर। सर, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया सर, बहुत सीरियस है सर, प्लीज प्लीज जाने दीजिए सर। तुम्हारी अम्मी जान का? जी सर। अरे यार, गलती हो गई, तुम जाओ यार। मैं दुआ करूंगा तुम्हारी अम्मी जान सही सलामत हो। जाओ भाई। सर, सर बिल्डिंग के टेरेस पे तो कुछ नहीं है। फिर आखिरी उम्मीद सिर्फ वही एक बिल्डिंग है सर। चलो हेलो जी बॉस, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ बॉस, यहाँ तो सब सही है। कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं बॉस, सब ठीक है। हेलो, एक बार नीचे जाकर चेक करो, सब ठीक है ना? ओके बॉस। सर, मैंने लूप स्टार्ट कर दिया है, अब आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है। और सर, ये लूप वीडियो सिर्फ 3 मिनट्स तक ही चलेगा, और आपको अपना सारा एक्शन इन्हीं 3 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। तुम उसकी फिक्र मत करो। Yeah.
लीजिए। हेलो नैना, नैना कौन है तुम लोग? नैना छोड़ो मुझे, नैना छोड़ो मुझे। तुम्हारा खेल खत्म, समझा? बच्चों को बाहर ले जाओ और टीचर्स को भी। ओके सर, ड्राइवर यू टर्न ले लो। ए, कहाँ ले जा रहे हो? खोल, अरे छोड़, कहाँ ले जा रहे हो? वापस जेल। ये हमसे कैसे मिस हो गया? क्या वो सर, क्या मिस हो गया? तू ऊपर जाके चेक करो, हमें लगता है हमारा मजे मिल गया है। देखिए इस तरफ से, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, ये बच्चे और टीचर सारे मारे जाएंगे। अगर मरते हैं तो मरने दो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं लूंगी, छोड़ो मुझे। हम जानते हैं आप ये क्यों कर रही हैं। प्रीति के लिए ना, ये देखिए आपकी प्रीति हमारे पास है। मम्मा, मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पुलिस अंकल ने मुझे बचा लिया, आप चिंता मत करो। और मेरे पति? देखिए मैम, जिन्होंने इस प्लान को रचा है वो हमारी हिरासत में है, लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ से सुरक्षित बाहर लेके जाएंगे और उसके लिए हमें इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है? अरे कहाँ चले मियाँ, क्या सुन तो लीजिए। दहशतगर्दी ने कर दिया था इन हवाओं को तंग और हम पानी सांसें देने को तैयार खड़े थे। उनका सुकून चला गया हमारा हौसला देखकर। हम अकेले खड़े रहे मैदान जंग में। हमने तुमको पहचान लिया मियाँ, चलो जरा चलो 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 जल्दी करो। देखो सर, ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो सकता सर। डिफ्यूज नहीं हो सकता का क्या मतलब है? फिर से कोशिश करो। अरे सर नहीं हो सकता डिफ्यूज सर, मैंने देख लिया। डिफ्यूज नहीं हो सकता? इस बॉम्ब को निकाल सकते हैं बॉडी से? सर अगर इसे निकाला तो इसमें एक एयर निकली है और निकलते ही इसका टाइम बहुत तेजी से स्टार्ट होने लगा, मतलब कि हम लोग पास केवल 5 मिनट बचे हैं। हमें रिस्क लेना पड़ेगा, हम इस बॉम्ब को निकाल के नैना को यहाँ से लेके भाग जाएंगे। सर आप नीचे तो रख नहीं सकते सर, नीचे रखते ही ये फूट जाएगा सर। हम इसको निकालते हैं यहाँ से। सर लेकिन आप चुप रहिए, कुछ नहीं उसका सर, समझिए सर। आप प्लीज यहां से बाहर जाइए। हट जाइए, हट जाइए, आप लोग यहां से बाहर जाइए जल्दी। सर आप नहीं,
अगर मैं इस बम को यहाँ पे रखता हूँ या छोड़ देता हूँ तो उसी वक्त ब्लास्ट हो जाएगा। डेढ़ मिनट बचे, स्कूल से जल्दी बाहर जाइए। लेकिन सर आप आ जाए, इसे जल्दी लेके जाओ यहाँ से। चलिए। हाँ सर, यप, ओके। भूल गया मैं। आइसक्रीम। ओह, आइसक्रीम नहीं बेटा, नहीं भूला मैं। प्रॉमिस किया था ना? हाँ, मैंने किया था और मुझे याद भी है। आइसक्रीम ना? मैं कब भूला? नहीं, मैं नहीं भूला। असली मुजरिम मिल गया। यह इस खेल के सूत्र संचालक देओ। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये मेरे पति हैं। ये मुजरिम नहीं है, इन्हें तो उन लोगों ने फंसाया था ना। नहीं नहीं जी, सच ही है। अब ये ड्रामा बंद कर और सच क्या अपनी बीवी को बता। हाँ, ये सब कुछ मैंने किया। मैं उस भास्कर को यहीं बुला के बॉम्ब ब्लास्ट में मरवाना चाहता था। क्यों मरवाना चाहते थे भास्कर को? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, मेरे बॉम्ब का फॉर्मूला अपने नाम से बेचा, पैसा कमाया, जेल गया और सजा हुई सिर्फ उम्र कैद। क्यों? मैं उस भास्कर को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता किसी भी कीमत पर। ना बड़ा धोखा मेरे और मेरी बच्ची के साथ। एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में, जान दांव पर लगा दी। अरे कम से कम अपनी बच्ची के बारे में तो सोचा होता। वरना तो तुझे चाहिए। ले जा इसका। ले जा भाई, हनुमान ने तो तुम्हारी आज खैर नहीं है। आइसक्रीम खिला। थैंक यू सर।